जेस्ट मनी के एग्जीक्यूटिव साफ साफ कहा है कि आपके अगर ईएमआई नज़दीक आ रहा हो तो उसे आप पेमेंट मत करो। अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको भी इसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जो मुझे फेस करना पड़ा, क्योंकि जेस्ट मनी में मैंने भी लोन लिया था और वहाँ पे मेरा 2 ईएमआई का डेट आ चुका था। तो मैं इस महीने का 2 ईएमआई भर दिया। भरने के बाद जब मैंने जेस्ट मनी के कस्टमर केयर पर कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपको ईएमआई पेमेंट नहीं करना चाहिए था। अगर आप ईएमआई पेमेंट नहीं करते तो आपको हम मोराटोरियम दे सकते थे। आपने अपना ईएमआई पेमेंट कर दिए हैं इसलिए हम आपको अभी मोराटोरियम नहीं दे सकते। उनका कहना यही है कि अगर आपके ईएमआई का डेट नज़दीक आ रहा हो तो आपको ईएमआई नहीं पे करना चाहिए। अगर आप पे कर देते हो तो आपके लोन पर मोराटोरियम नहीं मिलेगा। अगर आपको मोराटोरियम चाहिए तो आपको अपना लोन पे नहीं करना है। तो आइए सुन लेते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो डायरेक्ट मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया था जेस्ट मनी का, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको जेस्ट मनी का ईएमआई नहीं पे करना चाहिए था। तो दोस्तों, आइए इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वेरिफिकेशन सर। लाइन पे बनी रहे, आपकी जानकारी चेक की जा रही है। जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं सर, करेंटली आपके हमें 2 लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, ओके, जो आपके दोनों ही अमेज़न के हैं और जिनका फर्स्ट ईएमआई आपने पे कर दिया है और सेकंड आपका जो ईएमआई है वो जुलाई में है। तो सर, इस रिगार्डिंग आपको बताना चाहेंगे, आपका जो ईएमआई है जो पे हो गया है इस वजह से आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं है सर। लेकिन जब मतलब उसका जो डेट था उससे पहले जब कॉल किया गया था तो वो मतलब बोले थे कि आपका ईएमआई का डेट आ रहा है इसलिए आप एलिजिबल नहीं है। हाँ जी, देखिए इसके रिगार्डिंग अगर आपकी ईएमआई जो है वो डेबिट में लग जाती है, ओके, तो उसके रिगार्डिंग आप आफ्टर 3 डेज में हमें कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपका ईएमआई डेबिट में हो चुका है और अगर बैंक से डेबिट हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके रिगार्डिंग अगर आप एलिजिबल है उसके बाद तो आप हमें कंफर्म करके कर सकते थे कॉल। बट इसके रिगार्डिंग अभी हम चेक कर पा रहे हैं कि आपकी ईएमआई पे हो चुकी है, इस वजह से एलिजिबिलिटी हट गई है। तो अब इस लोन पर आपको मॉर्गेज अपडेट नहीं हो पाएगा सर। मतलब लोन अगर नहीं पे करते तब मोरेटोरियम मिलता, यानी कि अगर आपका जो ईएमआई है, ओके, तो ईएमआई ड्यू डेट से 3 दिन पहले या ड्यू डेट पर या ड्यू डेट के जो है दूसरे दिन आपको मॉर्गेज कंफर्म नहीं हो पाएगा। बट अगर ड्यू डेट के 3 दिन बाद अगर आप हमें कॉल करते हैं और अगर सिस्टम पर एलिजिबल शो होता है यानी ऑप्शन दिया जा सकता है आपको, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आता है। बट फिलहाल अभी हम चेक कर पा रहे हैं आपकी ईएमआई पे हो चुकी है, पर आपको मॉरेटोरियम अपडेट नहीं हो पाएगा सर। तो फिर मुझे एक बात बताइए, आपकी कंपनी मॉरेटोरियम इशू कब किया था, मतलब मॉरेटोरियम 2 लॉन्च कब किया, किस डेट को किया था? हमारे साइड से 5-6 के डेट में अपडेट हुआ था सर मॉरेटोरियम। 6 तारीख को अपडेट हुआ था? हाँ जी। तो उससे पहले जिनका ईएमआई था उनका क्या हुआ? देखिए, उससे पहले जैसे 5-6 को गया है, ओके, तो आपकी जो ईएमआई है वो आपके ईएमआई था यहाँ पर 5-15, ओके, पहले आपका जो ईएमआई था वो आपका था 8 तारीख का। तो उसी रिगार्डिंग अगर ये ईएमआई के ड्यू डेट पर तो आपका ऑप्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपकी ईएमआई डेबिट में जा चुकी होती है। और इसके लिए हमने आपको पहले ही कंफर्म किया था कि अगर आपका ईएमआई अगर डेबिट में लग चुका है तो उसके लिए आप सफिशियल बैलेंस रखिएगा। अगर उसके बाद हमारे पास अपडेशन आता है वार्डबुक का तो देन हम आपको कंफर्म कर देंगे कि अगर आपका कोई लोन है जिसकी अपकमिंग की ईएमआई है और उसमें अगर मॉर्टम अपडेट हो सकता है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ओके। तो उसके रिगार्डिंग आपकी जो ईएमआई है अगर आप पे करने के बाद अपने एक दो बार अगर कॉल कर लेते 3 दिन बाद डेट के तो शायद हम आपको उसके रिगार्डिंग कन्फर्म कर सकते हैं सर। बट फिलहाल अभी हम चेक कर पा रहे हैं, इस पर अपडेशन नहीं है तो इस वजह से हम इस पर आपको मॉर्टम कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। ईएमआई पे होने के 3 दिन बाद कॉल करना था? हाँ जी। तो उससे ज्यादा दिन होगा तो फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा? हाँ जी, उसके बाद फिर ऑप्शन हट जाता है और आप ये पे हो आपको मॉनिटर नहीं प्रोवाइड हो पाएगा सर। तो फिर अगला ईएमआई अगर नहीं पे करूं तो उसमें मिल सकता है क्या? नो, उस पर आपकी एलिजिबिलिटी हट चुकी है सर, हमारे पास ऑप्शन जा चुका है यहाँ से। मतलब जो आप लोगों के साथ मतलब ठीक से पेश आएगा उसके लिए कुछ ऑफर्स नहीं है?
मतलब मैं अगर ऐसी बात नहीं आपका, है सर। नहीं मैं आपका अगर पेमेंट कर देता हूं तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जो पेमेंट नहीं करता है उसके लिए ऑप्शन है। नो सर, उसके लिए भी नहीं है। उनके लिए जो जो ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, या हमारी टीम से अगर उनको कॉल गया है कि अगर आप ईएमआई पे कर सकते हैं या किस कारणवश आप पे नहीं कर पा रहे, उसके रिगार्डिंग हमारी टीम कॉन्टेक्ट करती है, बट वो उससे फिर आपको जो है वो आपका सिविल पे कंफर्म हो चुका होता है सर। यानी उससे फिर आपका जो पेमेंट हिस्ट्री होता है वो खराब हो सकता है, जिससे फिर शायद आपको आगे लोन ना मिल सके जस्ट मनी से। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप पेमेंट कर देते हैं मैनुअली तो आपको कोई इश्यूज नहीं आएगा, बट इस पर आगे हम मॉर्टर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास से ऑप्शन हट चुका होता है सर। क्योंकि जो है ड्यू डेट पर अगर एलिजिबिलिटी होती है तो यहाँ पर शो होता है, जिनकी ईएमआई अपकमिंग की है तो उन पर हम दे सकते हैं, बट फिलहाल आपके जो लोन है वो पे हो चुके हैं, तो इस वजह से इन पर मॉरेटोरियम अभी नहीं हो पाएगा। अगर हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके कंपनी के जितने भी कस्टमर्स है वो कितने लोगों को मिला है ईएमआई, मतलब अभी मॉरेटोरियम कितने लोगों को मिला है? ये तो हम आपको कंफर्म नहीं कर सकते सर, बिकॉज जो है उनके रिगार्डिंग हमारी टीम डिसाइड करती है। क्योंकि मेरे ख्याल से तो किसी को नहीं मिला होगा, क्योंकि सबके ड्यू अभी मतलब फर्स्ट मोरेटोरियम के बाद आप लोग के कंपनी के जो ड्यू डेट्स थे वो 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में ज्यादातर थे। देखिए सर, इनके रिगार्डिंग जो है जिनकी जिस प्रकार से ड्यू डेट होती है उसकी रिगार्डिंग होता है, तो सर कुछ कस्टमर्स को मिला है ओके, तो जिनका ईएमआई अपकमिंग में है, जैसे अभी आपको बताना चाहेंगे जिनका 22 तारीख या 25 तारीख की डेट में है, इनको हम प्रूव कर सकते हैं अगर इनकी ईएमआई है अभी जून की तो उस पर ले सकते हैं। पर अगर आप पर ईएमआई जून की पे कर चुके हैं और अगर आपको उस पर एलिजिबिलिटी दी जा सकती थी तो फिर वो नहीं मिल पाएगी सर। हाँ तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर मैंने पे कर दिया तो उसके बाद मुझे नहीं मिलेगा। हाँ जी, नहीं पे करता तो मिल सकता था। हाँ जी, तो फिर अगली बार देखेंगे, अगली बार मैं ईएमआई पे नहीं करूंगा, फिर देखेंगे मिलता है। सॉरी सर, नेक्स्ट मंथ का कोई ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट टाइम पे ही हम दे सकते हैं, सेकंड मंथ का। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आरबीआई ने अभी जो नया अनाउंसमेंट किया है उसमें बोला गया है कि सबको अभी मोरेटोरियम देना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आरबीआई खुद मतलब इसको डिसाइड नहीं किया है। माफी चाहूंगी बट इसके रिगार्डिंग हमारे पास भी अपडेशन है सर, क्योंकि हमारी जो टीम होती है वो आरबीआई के फॉलोअप के रिगार्डिंग ही प्रोसेस करती है। तो इस बार आरबीआई आप लोगों के बातों से पता ये चल रहा है कि आप लोग आरबीआई को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए मैं आरबीआई को रिपोर्ट कर सकता हूँ ना, मेरा राइट बनता है, मैं आरबीआई को रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको ही नहीं दिया जा रहा है और भी कस्टमर से, तो उसके रिगार्डिंग आप हमें करके, बट इसके लिए सर आपको भी बताएंगे आपकी ईएमआई से ऑप्शन हट चुका है, उस पर हम आपको मॉरेटोरियम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, माफी चाहेंगे इसके लिए सर। ठीक है, तो फिर मैं आरबीआई में कंप्लेन करता हूँ कि जेस्ट मनी आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आपको लगता है तो आप हमें इसके रिगार्डिंग एक मेल कर दीजिए कि आप पर जो है आरबीआई में कंप्लेन करें, बिकॉज आपको नहीं दिया जा रहा है मॉरेटोरियम, तो इसके लिए आप हमें एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, और आपको इसके बाद अगर हमारी टीम नहीं कंफर्म करती है आपको तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं सर। पर मैंने जो मतलब देखा है कि अगर कंप्लेन आपको ना भेजूं तो भी मैं वहां पे रिपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो आपको अगर लगता है तो आप हमें इसलिए कंफर्म कीजिए सर कि आप इस वजह से आरबीआई में कंप्लेन करें, बिकॉज ये इश्यूज है आपको, तो हमारी शायद टीम इसके लिए आपको कांटेक्ट करके कंफर्म कर सके, बट आपको हम बताना चाहेंगे कि आपकी ईएमआई पे हो चुकी है, इस वजह से इस पर आपको मॉडर्न अपडेट नहीं हो पाएगा, आपको ही नहीं उन सभी कस्टमर्स को नहीं हो पाएगा जिनका ईएमआई पे हो चुका है सर। मैं तो वही बोल रहा हूँ, जो आप लोगों के साथ डील मैंने अच्छा रखा है, जो लोग अच्छा आपके साथ डील रखे हैं उनको आप कुछ ऑफर्स नहीं दे रहे हैं। देखिए, उसके लिए रिगार्डिंग अगर जिन्होंने मॉरेटोरियम लिया है तो वो आगे की ईएमआई भी पे नहीं कर सकते हैं, यानी कि मतलब अगर ईएमआई पे नहीं करते हैं तो उनको कोई लोन भी अप्लाई नहीं होगा। शायद आपने ईएमआई पे कर दिया तो आपके लिए लोन के ऑफर भी आ सकते हैं, तो आप शायद आप लोन के ऑफर कुछ नहीं आ रहे हैं। मैंने फोन करके बोला था कि अभी हम मेरा अभी जो लिमिट यहाँ पे शो हो रहा है 16,000 के ऊपर शो हो रहा है, मतलब मेरा लिमिट अभी तक स्टॉक में है 16,000 के ऊपर, पर उसको जब मैं लेने जा रहा हूं तो वहां पे कोई लोन इशू नहीं किया जा रहा है।
जी वो इसलिए क्योंकि हमारे साइड से स्टॉप है, इस वजह से कंफर्म नहीं हो पा रहा है, पर आप निश्चिंत रहिए क्योंकि आगे जैसे ही आपके पास ऑफर आता है तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन एक और आ सकता है जस्ट मनी से, अगर अगर आपके अगर अगर आपके लोन सिस्टम अभी स्टॉप है तो अगर मोराटोरियम 2 अभी चालू हो चुका है, जिन लोगों को मिल चुका है उनके लिए भी तो ऑफर सभी बंद है, इसके लिए आप लोग लोन का मतलब प्रोसेस भी अभी चालू नहीं करेंगे? देखिए सर ये अभी हमारे पास अपडेशन नहीं आया है हमारी बैंकिंग टीम से, इस पर हमारी टीम अभी वर्क कर रही है, तो जैसे ही हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अपडेशन आता है तो देन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपके पास दुश्मन से कोई नोटिफिकेशन या कॉल आ सकता है तो उसकी रिगार्डिंग आप ट्राई करके चेक कीजिएगा। वो तो मैं समझ सकता हूँ, वो तो उससे मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया था, लेकिन उन्होंने मतलब मेरे ईएमआई से पहले मैंने जब कॉन्टेक्ट किया आप लोगों से, मैंने फोन करके बोला था कि सर अभी मोरेटोरियम के लिए क्या स्टेटस है, तो उन लोगों ने बोला कि अभी आपका ईएमआई 2 दिन में आ रहा है, 2 दिन के मतलब आपकी अपकमिंग ईएमआई 2 दिन बाद है, तो इसलिए आपको कोई मोरेटोरियम नहीं मिलेगा, आपको ईएमआई पे करना होगा, उसके 3 दिन बाद हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हाँ जी तो हमने सही तो आपको कंफर्म किया है सर कि आपका ईएमआई है, अगर उसके रिगार्डिंग अगर आप हमें 3 दिन बाद कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको कंफर्म कर सकते हैं, या फिर अगर आपका रिटर्न पे डेबिट हो जाता है तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर। और अभी जुलाई मंथ के लिए हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आया है हमारी टीम से कि उस पर मॉडर्न अपडेट हो सकता है या नहीं, तो अगर इसके लिए कोई ऑप्शन आता है सर हम आपको कंफर्म कर देंगे सर। मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा रूल्स है आपका, जो 3 दिन के बाद अगर कॉन्टेक्ट करूंगा तो मिलेगा, 3 दिन से 4 दिन हो गया तो नहीं मिलेगा? सर देखिए अगर ये मैं डेबिट लगी और अगर अमाउंट नहीं पाया गया तो आपका डेबिट नहीं हो पाया, पर आपके पास उस टाइम भी अमाउंट नहीं है तो उसके बेसिकली हमारी टीम चेक करती है, आपको कॉन्टेक्ट करती है, अगर आप 3 दिन के अंदर हमें कॉन्टेक्ट करते हैं अगर यहाँ पर ऑप्शन शो होता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड तो हम आपको कंफर्म करते हैं, पर इस पर से आपका ईएमआई क्योंकि अगर पे हो गया है तो उस पर अभी हम आपको कंफर्म नहीं कर पाएंगे जून का, जुलाई मंथ का अगर हमारे पास कोई अपडेशन आता है आप मॉडल ले सकते हैं नहीं तो देन हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर, पर फिलहाल अभी हमारे पास कोई अपडेशन नहीं है हमारी टीम से। अच्छा ये बताइए सिविल में आपके जो कंपनी का नाम किस नाम से रजिस्टर्ड है? सर देखिए सिविल में हमारी कंपनी जो है अलग अलग फाइनेंसेज है, तो उसमें आपको डीएमआई के नाम से भी शो हो सकता है और हमारी फाइनेंसेज है तो वो आप अपने सकते हैं। क्या नाम मुझे समझ में नहीं आया, क्या बताइए थोड़ा जी, कौन सी नाम बताया आपने मुझे समझ में नहीं आया, जरा नाम फिर से बताइए। आप जो लोन होता है उस पर जो फाइनेंसेस होते हैं उनके रिगार्डिंग शो होता है। हाँ तो आपके कंपनी का तो कोई नाम होगा, जेस्ट मनी एप्लीकेशन है तो उसका कोई नाम कंपनी का नाम नहीं है? सर वो आप हमारे जो फाइनेंशियल होते हैं जैसे मनी वेस डीएमआई ये हमारे फाइनेंसेस है तो ये आपको वहाँ पर आपकी सिविल पर चेक करेंगे तो आपको शो होंगे, तो जस्ट मनी के द्वारा जिनका आपको वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। सर ऐसे कोई नाम तो शो नहीं हो रहा है, सॉरी अब जिस नाम को मतलब जो नाम मुझे बताया है वो नाम तो सिविल में शो नहीं हो रहा है। क्या शो कर रहा है आपको यहाँ पे? ऐसा कोई मतलब शो नहीं हो रहा है, आपके कंपनी का नाम मैं यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो शो हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक शो हो रहा है L&T फाइनेंस, जो मैंने कार लोन लिया हुआ था, DMI चेक कीजिए सर, DMI के नाम से शो होगा वहाँ पर आपको। DMI के नाम से कुछ भी लोन क्लोज कर चुके हैं वहाँ पर DMI लेंडर के नाम से शो होता है आपको। DMI नाम से कुछ भी नहीं है यहाँ। ओके अगर आपको उसके रिगार्डिंग शो नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कीजिए आपका जो लेटेस्ट सिविल है वो आप हमें PDF फॉर्मेट में मेल कर दीजिए तो हमारी टीम चेक करके आपको कन्फर्म कर देगी। तो सिविल क्यों आप लोग सिविल नहीं चेक कर पाते किसी का? सिविल हम चेक नहीं करते सर, आपका सिविल आप ही चेक कर सकते हैं, हमारी बैंकिंग टीम चेक करती है, बट इसके रिगार्डिंग अगर आपको शो नहीं हो रहा है और तो आप अपना लेटेस्ट सिविल जो है वहां से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके हमें मेल कर सकते हैं तो हमारी जो टीम है वो आपको चेक करके कंफर्म कर देगी।
अच्छा ठीक है। तो अभी अब मुझे बताइए थोड़ा सा कि ये मतलब मोरेटोरियम के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन है कि नहीं। सॉरी सर, फिलहाल तो अभी हम आपको यही कंफर्म करना चाहेंगे कि अभी हमारे पास अपडेशन नहीं है जुलाई मंथ के लिए। अगर कोई ऑप्शन छाटता है तो देन या तो करेगी, आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा 10 मनी से। ठीक है। लिए अन्य कोई जानकारी आपकी सर? जानकारी आप क्या चाहिए? आप लोग तो बता दिए हैं ना कि मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, जी सर, अगर तो होता मुझे तो एक कि हम बात आपको पता मना चल नहीं गया करते है। हैं, हमने इसलिए। नहीं, मुझे एक बात पता चल गया है कि किसी के साथ अगर अच्छे से पेश आऊँ तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो मेरा गलती ये है कि मैंने आपका EMI पेमेंट कर दिया। अगर नहीं पेमेंट करता तब शायद मुझे मिल सकता जी था, ठीक। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि इनके कस्टमर केयर, जस्ट मनी के कस्टमर केयर ने अभी अभी क्या कहा कि आपको आपका जो EMI है वो पे नहीं करना चाहिए था। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको हम मोराटोरियम दे सकते थे, हालांकि आपने पेमेंट कर दिया इसलिए हम आपको मोराटोरियम नहीं दे सकते। तो ये कहाँ का रूल्स है फ्रेंड्स? अगर कोई अपना EMI पेमेंट कर देता है तो उसे क्यों मोराटोरियम नहीं मिलेगा? एक्चुअली ये इस कंपनी का बहाना है दोस्तों। मोराटोरियम किसी को नहीं मिल रहा है, जस्ट मनी मोराटोरियम किसी को नहीं दे रहे हैं। वो अपना लोन वापस लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा चक्कर घुमा रहे हैं ताकि लोग उसके चक्कर में आके अपना रिपेमेंट कर दे और उसके बाद उनको अपना पेमेंट मिल जाए। तो इसी तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो हमारा राइट बनता है दोस्तों, हम जेस्ट मनी के खिलाफ RBI में कंप्लेन कर सकते हैं। तो RBI में कैसे कंप्लेन किया जाता है इसके बारे में YouTube में काफ़ी सारे वीडियोस है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और RBI में जेस्ट मनी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि RBI के जो रूल्स अभी निकला है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि सभी को अभी मोरेटोरियम 2 दिया जा रहा है, लेकिन जेस्ट मनी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप भी जेस्ट मनी से लोन लेके रखे हैं और आपको मोरेटोरियम नहीं मिला तो आप RBI में जेस्ट मनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।